Hello everyone, welcome to PK Technical World. Friends, today in this video we will discuss about cognitivism theory. दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को cognitivism theory के बारे में बताऊंगा. तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये वीडियो. दोस्तों आते हैं cognitivism theory के definition introduction की तरफ. This theory of learning is introduced by Jean Piaget. He was a Swiss psychologist and founder of cognitive learning theory. दोस्तों ये थीरी जो है ये सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस की थी? ये जैन पियाजे ने इंट्रोड्यूस की थी. ठीक है दोस्तों, ये जैन पियाजे का जो नाम है ये अगर आप लोग देखें तो ये इसकी स्पेलिंग कुछ इस तरह से है, JEANPIAGET, जैन पियाजेट. ये ऐसे मतलब अगर हम इसकी लेटर्स को देखेंगे तो ये जैन पियाजेट पढ़ा जाता है, लेकिन ये जैन पियाजेट नहीं है, ये जैन पियाजे है. ठीक है, तो जैन पियाजे ये एक स्विस साइकोलॉजिस्ट था. इसके अलावा इसने एक और थ्योरी भी इंट्रोड्यूस की थी जिसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी भी कहते हैं. ठीक है ना, तो वो भी इसने इंट्रोड्यूस की थी. ठीक है, जिसमें फोर स्टेजेस भी हैं. ठीक है ना, लर्निंग के कि किस तरह से जो चिल्ड्रन है वो लर्निंग करते हैं स्टेज बाय स्टेज. ना दोस्तों अब आते हैं डिफिनेशन की तरफ. कॉग्निटिविज्म इज द साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ हायर मेंटल प्रोसेस इंक्लूडिंग थिंकिंग एंड परसेप्शन. दोस्तों ये है फर्स्ट डिफिनेशन. इसमें कहते हैं कि ये एक साइकोलॉजिकल स्टडी है. ठीक है ना, हायर मेंटल प्रोसेस की किस तरह से. दोस्तों जो फर्स्ट थीरी थी बिहेवियरिज्म थीरी, इसने हमने पढ़ा था कि जो B.F. स्किनर थे वो क्या कहते थे, वो कहते थे कि लर्निंग में मेंटल प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है. लेकिन ये जो है टोटली डिपेंड करता है, कॉग्निटिविज्म कहते हैं कि लर्निंग डिपेंडेंट ऑन मेंटल प्रोसेस. मतलब किस तरह से दिमाग काम करता है, किस तरह से दिमाग एक चीज़ को अंडरस्टैंड करता है. ठीक है, किस तरह से उसको इस्तेमाल करता है उस नॉलेज को ना, उस लर्निंग को किस तरह से फिर बाद में यूज़ करता है. ठीक है ना, डिफरेंट वो में हम आगे पढ़ेंगे. दूसरे डिफिनीशन की तरफ आते हैं. द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी विच फोकस ऑन मेंटल प्रोसेस इंक्लूडिंग हाउ पीपल परसीव थिंक रिमेंबर लर्न सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड डायरेक्ट दियर अटेंशन. दोस्तों दूसरे डिफिनीशन में कहते हैं कि कॉग्निटिविज्म ये फोकस करती है मेंटल प्रोसेस पे. ठीक है ना, मेंटल प्रोसेस में क्या क्या आता है कि किस तरह से ह्यूमन बीइंग जो है वो परसीव करते हैं. ठीक है, एक चीज़ को किस तरह से, एक बात को किस तरह से परसीव करते हैं, थिंक किस तरह से उस पर सोचते हैं. ठीक है ना, कि एक बात मैंने सुनी फिर मैं उस पर सोचूंगा. ठीक है, रिमेंबर उसको कैसे याद करूंगा. ठीक है ना, ये किस चीज़ का काम है, माइंड का. ठीक है ना, लर्न फिर उसको सीखेंगे कैसे. ठीक है, याद कैसे करेंगे, सीखेंगे कैसे. फिर जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को हम किस तरह से हैंडल करते हैं, किस तरह से सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट देयर अटेंशन, किस तरह से हम एक चीज़ को की तरफ अटेंशन लेते हैं. ठीक है ना, किस तरह से हम एक बात को अटेंटिवली सुनते हैं. ठीक है, ये तो ये सारा का सारा खेल जो है ये दिमाग का है. ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई बंदा स्पीच दे रहा है और आप मेंटली तौर पर एब्सेंट हैं तो आप उस बंदे की बात को नहीं समझते, कभी भी आप उस बात को याद नहीं कर सकते, कभी भी आप उस बात को की तह तक नहीं पहुँच सकते. ठीक है, ये सारा का सारा जो है मेंटल प्रोसेस है. ठीक है ना, अगर हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो भी इसमें माइंड इन्वॉल्व है, अगर हम लर्निंग करते हैं तो भी माइंड इन्वॉल्व है, अगर हम किसी चीज़ को रिमेंबर करते हैं या उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, तो ये सारा का सारा खेल किस चीज़ का है, ये माइंड का है. अब आते हैं द एबिलिटी ऑफ थिंकिंग अंडरस्टैंडिंग एंड यूजिंग ऑफ लैंग्वेज. क्या है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ थिंकिंग अंडरस्टैंडिंग एंड यूजिंग ऑफ लैंग्वेज. फॉर एग्जाम्पल, हाउ यू लर्न अ लैंग्वेज, हाउ यू गेट अ लैंग्वेज, हाउ यू यूज अ लैंग्वेज. तो ये क्या है, ये दिमाग का है कि हम फॉर एग्जाम्पल जो हम लर्निंग करते हैं ना, कि फर्स्ट जो बच्चा होता है वो किस तरह से लैंग्वेज सीखता है. ठीक है, फिर हाउ यू गेट लैंग्वेज, फिर वो बच्चा जो है किस तरह से उसको अंडरस्टैंड करता है. ठीक है ना, किस तरह से उससे मीनिंग लेता है. ठीक है, हाउ यू गेट यूज, हाउ यू यूज अ लैंग्वेज, देन उसको यूज किस तरह से करता है, फर्स्ट लर्न करता है
दिन उसको अंडरस्टैंड करता है, उसके बाद उसको अपने जो रोज़मर्रा के मामूलात होते हैं उसमें वो यूज़ किस तरह से करता है। तो ये सारा का सारा जो खेल है ये माइंड का है, ठीक है ना। तो याद रखें कि जो कॉग्निटिव थ्योरी है ये माइंड बेस्ड है, ठीक है ना, मेंटल प्रोसेस के बेस पे है। और बिहेवियरिज्म जो है वो कहते हैं कि नहीं, जो लर्निंग हम करते हैं ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हम करते हैं, ठीक है ना, फैमिली मेम्बर से कर लेते हैं, दूसरों से कर लेते हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं तब भी हम बाहर से ही लोगों के बिहेवियर जो है सीख लेते हैं ना, फिर उसी के मुताबिक हम अपना बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वो भी कहते हैं कि लर्न करते हैं फिर उसको मतलब यूज़ करते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि ये सारा का सारा जो है ये मेंटल प्रोसेस है, ठीक है ना। पहले मेंटल माइंड के थ्रू हम लर्निंग करते हैं, माइंड के थ्रू हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं, और माइंड के थ्रू ही हम उसको यूज़ करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमने मतलब अब इस बात के मैं आप लोगों को समझाऊँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक सॉन्ग सीख लिया, ठीक है ना। अब ये तो नहीं है कि हम हर जगह जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, मंदिर जाएंगे, मतलब हर जगह जाएंगे ना जो मुकद्दस मकामात हैं वहाँ पे हम जाएंगे उसको गाएंगे, ठीक है ना, या कहाँ पे फौतगी हो गई है वहाँ पे हम सॉन्ग म्यूज़िक गाएंगे, ठीक है। अब हमने, ठीक है, ये मेंटल प्रोसेस तो ये हुआ कि हमने सीख लिया, ठीक है। अब उसको हम गेट करते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, इसके असर लोगों तक इसका असर किया जाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम यूज़ करते हैं कि ये जगह आया ये सॉन्ग यूज़ करने की, ये सॉन्ग गाने की है, ठीक है, ये बात करने की ये जगह है, ये जो काम मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये जो बिहेवियर मैं शो कर रहा हूँ क्या ये इस जो सिचुएशन है इसके मुताबिक है, ठीक है। गाने हम कहाँ पे गाते हैं, ठीक है, जब हम अपने आप को खुश करते हैं तब गाते हैं, अकेले में गाते हैं, ठीक है, अगर हम सिंगर नहीं है पहाड़ में गाते हैं या कोई स्कूल फंक्शन में गाते हैं, दूसरी जगहों पर ना, लेकिन ये जो मुकद्दस मकामात हैं इसको तो नहीं वहाँ पर तो नहीं गाते ना, या बड़ों के सामने जो महजब लोग होते हैं उसके सामने तो नहीं गाते ना। यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, माइंड यूज़ करते हैं, माइंड यूज़ करते हैं कि हाया ये जगह इस गाना गाने के हैं या नहीं है, ठीक है, ये बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आया ये यहाँ पे सुटेबल है कि नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, मेंटल प्रोसेस है। अब आते हैं, इट इज़ अ थियरी ऑफ लर्निंग प्रोसेस अकर इन ओवर माइंड लाइक हाउ ओवर माइंड रिसीव थिंक and interpret the information. The process of this theory is based on the thought process behind the behavior. This theory also states that we cannot show direct behavior, we need some thought process to show the behavior. दोस्तों जितनी भी मैंने पहले बातें की वो इसमें मौजूद है। ये थ्योरी कहती है कि जो लर्निंग है ये एक प्रोसेस है जो कि हमारे माइंड में होता है, ठीक है ना, कि हम किस तरह से एक बात को रिसीव करते हैं, एक चीज़ को रिसीव करते हैं, एक आइडिया को रिसीव करते हैं, फिर उसको किस तरह से हम उसको उस पर सोचते हैं, किस तरह से उसको इंटरप्रेट करते हैं, फिर हम किस तरह से उससे इंफॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है ना, किस तरह से उस प्रोसेस को फिर हम बाद में यूज़ करते हैं। ये भी कहते हैं कि हम डायरेक्ट उसको जो हम बात सुनते हैं उसको रिएक्शन नहीं देते, ठीक है ना, हम उस पर थोड़ा सा सोच लेते हैं, थोड़ा सा हम क्या कहते हैं छानबीन करते हैं, थोड़ा सोच विचार करने के बाद उसके उसका हम जवाब देते हैं, ठीक है ना, एक बात का। तो ये यहाँ पे ये बात है। तो अब आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ कॉग्निटिविज्म की तरफ। दोस्तों हमारे पास तीन प्रिंसिपल है कॉग्निटिविज्म की, ठीक है। अब जो फर्स्ट वन है हमारे पास सेंसेशन है, दूसरा है परसेप्शन है, और तीसरा जो है वो है अटेंशन। तो फर्स्ट वन की तरफ आते हैं, अकॉर्डिंग सेंसेशन, अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिविज्म थ्योरी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टुक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड टू सेंसेस, आफ्टर परसीविंग द इनपुट और माइंड रिस्पॉन्स गिव आउटपुट। दोस्तों जैसा कि बिहेवियरिज्म ने कहा था कि हम एक्सटर्नल वर्ल्ड से नॉलेज लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो कहते थे कि इसमें माइंड का कोई किरदार नहीं है। अब ये कहते हैं कॉग्निटिविज्म वाले, ठीक है, कि ये जो है, हाँ बिल्कुल सही है, हम जो इंफॉर्मेशन लेते हैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल उसको हम मतलब जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उससे इंफॉर्मेशन को गेन कर लेते हैं, ठीक है ना, किसके ज़रिए, थ्रू सेंसेस, फाइव सेंसेस है ना, टच, टेस्ट, हेयर, स्मेल एक्सेट्रा,
तो उसके बाद क्या होता है कि उस हमारे माइंड में उस पर एक प्रोसेस होता है, ठीक है। जो हमने इनपुट हासिल किया ना, हमने कुछ आइडिया सुनी, हमने कुछ बातें सुनी, फिर हमारे माइंड में उस पर प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद अगर वो बात ठीक है तो हम उसका रिस्पॉन्स देते हैं, अगर वो बात ठीक नहीं है तो उसको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि उसका जो रिज़ल्ट होता है फिर अच्छी नहीं होती ना। लेकिन मेंटल माइंड ने यहाँ पर क्या काम किया कि उस पर सोचा, उस डेटा को क्या किया, उस पर उसने प्रोसेसिंग की, ठीक है ना, उसकी मीनिंग ली, ठीक है, फिर उसके मुताबिक उसका जवाब दिया, उसका आउटपुट दिया, ठीक है ना। दूसरी बात है परसेप्शन। दूसरा जो प्रिंसिपल है वो है परसेप्शन। दोस्तों आप लोगों ने ये प्रिंसिपल्स भी याद रखने होंगे, ठीक है। इन दिस थियरी जेन पियाजे मेंशन दैट हाउ ह्यूमन माइंड परसीव थिंग्स एंड हाउ माइंड अंडरस्टैंड इट एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग हाउ ह्यूमन रिएक्ट। दोस्तों इस यहाँ पे जो है वो मेंशन करता है कि इंसान का जो दिमाग है वो किस तरह से बात को परसीव करता है, फिर इस किस तरह से उस पर थिंकिंग करता है, किस तरह से उस पर सोचो विचार करता है और किस तरह से उसको अंडरस्टैंड करता है, ठीक है, और फिर किस तरह से लास्ट में ह्यूमन जो है उसके मुताबिक रिएक्ट करता है, रिएक्शन देता है, ठीक है। अब इसमें दो बातें और है, ठीक है, परसेप्शन में पैटर्न रिकॉग्निशन, ठीक है। पैटर्न रिकॉग्निशन रिकॉग्निशन मींस हाउ ह्यूमन माइंड रिकॉग्नाइज थिंग्स ऑब्जेक्ट आइडियाज। दोस्तों फर्स्ट बात तो ये है कि इसमें पियाजे कहता है इस पैटर्न रिकॉग्निशन में कि किस तरह से ह्यूमन माइंड जो है वो एक शेप को, एक चीज़ का शेप जो है वो किस तरह से लेता है। ह्यूमन की अपनी शेप होती है, उसकी रिकॉग्निशन हमारी मतलब जहन में मौजूद है, उसकी एक स्ट्रक्चर हमारे जहन में मौजूद है। एनिमल जो है लाइक कैट और डॉग, इस तरह से लाइन, ठीक है ना, ये सारे के सारे जो है ना लाइन हो गए वगैरह, इसकी अपनी अपनी शेप है ना। तो जो ही हम देखते हैं तो हमारी जो माइंड है वो एक्टिवेट होता है और हमें पता चलता है कि ये कौन सा चीज़ है, ठीक है, एनिमल है, ह्यूमन है, बर्ड है, जो भी है ना। और हर साउंड की हमारी, हर बंदी का साउंड, हर एनिमल का साउंड हमारे जहन में स्टोर होता है, ठीक है ना। हम जैसी ही आवाज़ सुन ले हैं, आवाज़ सुनते हैं, अगर वो गद्दी की आवाज़ हो, अगर हम गद्दा ना भी देखें तो हमें हमारी माइंड जो है उसमें वो स्टोर होता है, तो हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये क्या है, ये गद्दे की आवाज़ है, ठीक है, ये क्या है, ये जो है ह्यूमन की आवाज़ है, ये क्या है, ये फलाने की आवाज़ है, ये फलाने की माँ की आवाज़ है, ये अब्बू की आवाज़ है। तो ये सारा रिकॉग्निशन सिस्टम जो है ये हमारे जहन में मौजूद होता है, ठीक है ना। आइडियाज़ आप लोगों को मतलब डिफरेंट आइडियाज़ लोगों ने पेश किया है तो हमें पता होता है कि ये जैन पियाजी की आइडिया है, ये स्किनर की आइडिया है, ठीक है, ये वो जो है दूसरे फिलासफर जो है ना, जैसा कि वो वर्ड्सवर्थ ने कुछ आइडियाज़ पेश किए थे, कॉलरेज ने कुछ आइडियाज़ पोइट्री के बारे में पेश किए थे, तो हमें पता चल जाता है ना कि ये उस बंदे की आइडियाज़ हैं, ठीक है। अब दूसरा जो है वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वी चिक एंड यूज़ बॉटम अप और बॉटम डाउन अप्रोच इन ऑर्डर टू गेट रिजल्ट। दोस्तों परसेप्शन जो है इसमें हम दो वो यूज़ करते हैं, अप्रोचेज यूज़ करते हैं, बॉटम अप और बॉटम डाउन अप्रोच यूज़ करते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हम उसका रिजल्ट देखते हैं ना, ठीक है, हम दो आस्पेक्ट्स देख लेते हैं, ठीक है ना, कभी मतलब एक सिरे से देखते हैं, कभी दूसरे सिरे से देखते हैं ना, ठीक है, तो ताकि हम मतलब बैलेंस रख सकें कि ये चीज़ क्या है, ये बात ठीक है, ये बात गलत है, ठीक है। तो हम नॉलेज यूज़ करने के लिए कभी बॉटम अप कभी बॉटम डाउन अप्रोच यूज़ करते हैं, ठीक है। अटेंशन, दोस्तों तीसरी जो प्रिंसिपल है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो ये है कि एक चीज़ को लर्निंग के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, अटेंशन की ज़रूरत है। बग़ैर अटेंशन के हम किसी भी चीज़ को नहीं सीख सकते, चाहे वो लैंग्वेज है, आइडिया है, चाहे वो प्रैक्टिकल वर्क है, कोई भी चीज़ हम नहीं सीख सकते, ठीक है। कहते हैं व्हेन वी लर्न वी नीड अटेंशन, अटेंशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर लर्निंग ईच एंड एवरी थिंग, ठीक है ना। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। दोस्तों अगर फिर भी आप लोगों को इस थ्योरी में या बिहेवियरिज्म थ्योरी में कोई भी प्रॉब्लम है तो बराए मेहरबानी आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, अगर ना हो तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर भी रابطہ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।